भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोरोना कर्फ्यू के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले घटने लगे हैं, फिर भी हिमाचल प्रदेश में मृत्यु दर देश में काफी ज्यादा है। बीते कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते 31 मई तक यथावत जारी रहेंगी सभी पाबंदियां। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी मंत्री तथा विधायकों को अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश, जिसके चलते कवायली क्षेत्र लाहौल स्पीति का लगातार दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर रखी जा रही पैनी नजर। जनजातीय तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि जहां बीते 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कटौती देखने को मिली है, तो वहीं मृत्यु दर अभी भी ज्यादा है, जिसके चलते बीते कल हुए मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को फिलहाल 31 मई तक के लिए यथावत रखा गया है। यदि दोनों चीजों में कमी आती है तो आने वाले समय में प्रदेश सरकार कर्फ्यू में कुछ राहत दे सकती है। रामलाल मारकंडे ने कहा कि कवायली क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के अधिक सक्रिय होने के चलते अब लाहौल स्पीति के लोगों को राहत देते हुए ऑफलाइन कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को टीकाकरण का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्रदेश के अंदर निरंतर जो है पिछले 10 दिनों से घटता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी पूरे हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाके छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्टों में जाकर किस तरह से बेड की संख्या बढ़ाया जाए, क्या वहां पर हमारे जो कोविड पेशेंट्स हैं क्या उनके लिए सुविधाएं मिल रहा है, क्या क्या वहां पर कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, और ये सभी बातों को लेकर जो है पूरा उन्होंने दौरा किया है। और हमें भी हर मंत्री को जैसा निर्देश दिया है कि अपने जिलों में जाकर ये सब कुछ देखें, और जो नया एक नया स्ट्रेन जो आने वाला है उसके बारे में भी चर्चा कर, जो है किस तरह से आज से हम तैयारी करें उसके लेकर, चाहे परोर हो, चाहे आपका मंडी हो, चाहे आपका सिरसोलन के अंदर, जिस तरह से बहुत से हर जिले के अंदर हमने जो है नए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दिया है। हमें जो नए जो स्ट्रेन तीसरा स्ट्रेन जो आने की बात किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे उनके लिए घातक हो सकता है, उसके लिहाज से तैयारी शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ मुझे लगता है जिस तरह से हमारी जो कोविड संख्या घटता जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में चाहे तीसरा स्ट्रेन है चाहे जो भी हो, सरकार की पूरी तैयारियां हैं। और जहां तक जनजातीय इलाकों की बात करना चाहूंगा मैं, जनजातीय इलाकों में भी हर जगह जो है आपके हर जगह पीएससी लेवल पे मैंने पूरे लाहौल स्पीति का भ्रमण किया है। हर जगह हमने एडवांस में ही हर पीएससी के अंदर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं, कंसंट्रेटर वहां पर है। हालांकि अब संख्या जो है कोविड की संख्या घटता जा रहा है, और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाहौल स्पीति के अंदर तो बहुत संतोषजनक है कि सबसे कम अगर पॉजिटिव रेशियोज है तो लाहौल स्पीति के अंदर है, क्योंकि जो भी वहां पर पेशेंट जो पाए गए थे अधिकतर वो मजदूर वर्ग के लोग थे। वैसे ये भी नहीं कहूंगा कि लाहौल स्पीति के लोग नहीं आए, लाहौल स्पीति के लोगों को भी कोविड पेशेंट वहां भी पाए गए। और आने वाले समय में अगर कोई तीसरा स्ट्रेन भी आता है, सरकार की पूरी तैयारी है, हम पूरा तैयारी करें कि इस बेड की संख्या पहले बढ़ा दें, कंसंट्रेटर वहां पर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर हो, ताकि जो ऐसी बातें ना हो। एक नई बीमारी भी हिमाचल प्रदेश से पहुंच गया है, जो ब्लैक फंगस जो आ चुका है, वो भी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर शायद कल तक 5 केसेस पहुंच चुके हैं उसके भी। वो हालांकि वो ब्लैक फंगस जो है वो जो है बीमारी जो है वो कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, वो कई जैसे कई लोगों को हो चुका है उसके भी, उसका इलाज पूरा, उसके दवाइयां हैं, सब कुछ है, उससे डरने वाली बात नहीं है। परंतु जो है मेरा ये मानना है जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा कोई सिम्टम आता है उसको तुरंत हस्पताल जाना चाहिए, ताकि अपने चेकअप कराए, क्योंकि मैं देखने में आता है सदैव जो है हम बहुत समय डिले करते हैं बीमारी जब होता है उसका तुरंत प्रभाव से जो है हस्पताल पहुंचाए, चाहे वो आपका कोविड क्यों ना हो, चाहे ब्लैक फंगस है, चाहे व्हाइट फंगस जो आने वाला है, ऐसा चर्चा हो रहा है, हमें पहले से ही उसका जो है अस्पतालों में जाना चाहिए, ताकि जो है उसका रोकथाम समय पर हो जाए। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पिछले कल कैबिनेट मीटिंग था, जो हमारा कर्फ्यू जो था
वो 26 तारीख को 31 तारीख तक कर दिया है। 31 तारीख के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कैबिनेट द्वारा रिव्यू होगा, जरूर पड़े तो हम जो है कुछ चीजों पर जो है छूट देना चाहेंगे, अगर जब हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोरोना की स्थिति सुधरता है तो। मेरा हिमाचल प्रदेश की जनता से, ट्रैवल इलाकों की जनता से मेरा निवेदन है कि ये कोविड को इतनी आसानी ऐसा न देखें कि कोविड बहुत जानलेवा है। हमें आज से ही जो प्रिकॉशन जो रखे हैं, मास्क, उचित दूरी, सैनिटाइजर, इनका प्रयोग करें ताकि जो है ये बीमारी अधिक न फैले। ये बीमारी जो है जानलेवा भी है और खतरनाक भी है। मेरा सबसे निवेदन है अपने घरों से जो है बिना काम के बाहर नहीं निकलें। हम अपने आप को जितने घरों में रख सकते हैं, उचित दूरी रख सकते हैं, तो हम इससे बचे रहेंगे और सब समाज को बचा रखेंगे। सरकार जो है आपके हमेशा तत्पर है, हम किस तरह से काम कर सके हैं। और ये सब जो जहां तक जो है 18 से 44 वर्ष तक जो है वैक्सीनेशन की बात है, जनजातीय इलाकों में विशेषकर जनजाति लाहौल स्पीति में जो है हमने 3 सेंटर खोल दिए हैं, केलंग, उदयपुर और झालमा। अब आने वाले समय में जो है ऑफलाइन ही रहेगा। हमने जब ऑनलाइन जो इसका जो पोर्टल खोला था उसमें मैंने भी देखा कि बाहर के लोगों ने भी इसका वैक्सीनेशन का लाभ लिया है। अब तीसरा जो हमने जो मई के अंतिम हफ्ते या जून के फर्स्ट हफ्ते में जब होगा ऑफलाइन जो हम जो है उसमें वैक्सीनेशन करेंगे ताकि इसका लाभ लाहौल के लोगों मिले। इसके लिए जो है बहुत से शिकायतें हमारे ध्यान में आया था क्योंकि ये ऑल इंडिया पोर्टल था। अब जो है ट्रैवल इलाके में जो है विशेषकर लाहौल स्पीति में हमने जो है ऑफलाइन के लिए कहा, ऑफलाइन जो है अब जो है 3 स्टेशन पे हम देंगे ताकि सबका लाभ मिल सके, ये बीमारी का रोकथाम कर सके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।